थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने थाना क्षेत्रांतर्गत 3 दिन पूर्व हुई बंदरों की मृत्यु की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने खेतों में नुकसान से क्षुब्ध होकर गुड़ में दीमक की दवाई मिलाकर बंदरों की मृत्यु की घटना कारित की थी। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। खुलासा क्या है, क्या है पूरा मामला? देखिए, 3 दिन पूर्व शाहपुर चौधरी ग्राम के निकट छड़ीना जाने वाली नहर पटरी पर जंगल में करीब 19 बंदरों के मृत शव प्राप्त हुए थे, जिसमें तत्काल वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने कब्जे में लेकर सबको और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया। मुकदमा तत्काल सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। कुछ समय बाद छानबीन करने के बाद और तलाश करने के बाद 7 शव और मिले। इस प्रकार कुल 26 बंदरों की मृत्यु हुई थी। इसमें आज गढ़मुक्तेश्वर थाना की पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये 2 अभियुक्त जिनके नाम कपिल चौहान तथा रोहतास उर्फ लाला चौहान है, ये दोनों शाहपुर चौधरी गाँव के ही रहने वाले हैं। इनके 3-3 बीघा गन्ने के खेत हैं, जिसमें बुआई के बाद ही बंदरों ने उस गन्ने के खेत से गन्ने को निकाल के और खाना शुरू कर दिया था, जिससे इनकी फसल बर्बाद हो गई थी। जिससे ये क्षुब्ध होकर इन्होंने एक फेराडोन नाम की एक केमिकल आता है जो कि दीमक मारने की दवाई है, इसको 2 किलो गुड़ के साथ 0.5 किलो फेराडोन मिला के और बंदरों को खिलाने के लिए रख दिया था कि इससे बंदर खा के और बेचैनी महसूस करेंगे और भाग जाएंगे। लेकिन बंदरों ने इसको खाया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इनको गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में और पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।